प्रतीक के करीबी इमरान पर कार्रवाई की गई। इमरान के अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। पीडीए ने इमरान के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बिल्डिंग में नीचे दुकानें और ऊपर आवासीय हिस्सा बगैर नक्शे के कराया गया मकान का निर्माण। इमरान पर दर्ज है 10 से अधिक मुकदमे। अतीक अहमद का रिश्तेदार है इमरान। खुल्दाबाद के चकिया इलाके में कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 TV पर आप देख रहे हैं। इमरान के अवैध निर्माण पर ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। पीडीए ने इमरान के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। तो ध्वस्तीकरण के दौरान की तस्वीर आपके सामने है। इमरान पर दर्ज है 10 से अधिक मुकदमे। ये भी आपको हम विस्तार से बता दें, अतीक अहमद का रिश्तेदार है इमरान। तो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भूमाफियाओं के ऊपर जारी है, जो अवैध अतिक्रमण करके बैठे थे और अपने आलिशान कोठियां बनाई हुई थी, कहीं पर ऑफिस खोल रखा था, कहीं स्कूल खोल रखा था, और जितने भी अवैध निर्माण इन भूमाफियाओं की तरफ से किए गए लोगों की ज़मीनों को कब्जा करके, उन सभी पर अब ताबड़तोड़ कार्रवाई एक के बाद एक यूपी सरकार लगातार कर रही है। मनीष पालीवाल अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? अतीक अहमद के बेहद करीबी इमरान पर ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, देखिए कृष्टि, ये इमरान जो है ये अतीक अहमद के गैंग का खास मेंबर है, उनका बेहद करीबी है, और इसके साथ ही साथ ये अतीक अहमद का रिश्तेदार है, उनका दारू है, और ये अतीक अहमद का पार्टनर भी बताया जाता है। जो अतीक अहमद की धन रहता है, जो उनकी प्रॉपर्टी, उसको ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, इसके ऊपर ये आरोप है। इसके साथ ही साथ ये धूमनगंज थाने का हिस्ट्री सीटर भी है, इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। और आज जो कार्रवाई की गई है, इसमें इमरान की जो अतीक अहमद का सारू है इमरान, उसके 3 मंजिला बिल्डिंग है उसको गिराया गया है। इस बिल्डिंग में नीचे कई दुकानें बनी हुई थी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किस्म का बनाया था, इसके साथ ही ऊपर रिहायशी बनाया गया था जहां पर लोग रहते थे। और आज की कार्रवाई के दौरान ये जो 3 मंजिला बिल्डिंग थी, इसको कई JCB मशीन और पोकलैंड मशीन की मदद से जमींदोज किया जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के साथ ही पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम यहां पर मौजूद है, और इस पूरे अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि ये जो निर्माण है ये अवैध तरीके से किया गया था, इसका नक्शा नहीं पास कराया गया था। जो पीडीए और नगर निगम का रूल रेगुलेशन होता है घर किसी भी बिल्डिंग को बनाने को, उसको पूरा नहीं किया गया था, और यही वजह है कि आज इसको ध्वस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका ये दावा है कि जो भी माफिया हैं जिन्होंने अवैध तरीके से धन को अर्जित किया है, उनकी अवैध कमाई को, उनके साम्राज्य को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए इनकी जो भी अवैध संपत्तियां हैं उसको आगे भी इसी तरह से ध्वस्त कर किया जाता रहेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई इन भूमाफियाओं के ऊपर जारी है, इससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि इससे पहले जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने और प्रशासन ने ये दावा ठोका था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, वो जमीनी स्तर पर हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए मनीष, आपका बहुत शुक्रिया।